हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पीसी में वाईफाई नहीं है तो हम राउटर का वाईफाई पीसी में कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीसी में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अगर आपको डेडिकेटेड वाईफाई अडेप्टर ही यूज़ करना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलो अब हम यह वाईफाई राउटर के इंटरनेट को पीसी में वाईफाई के बिना कैसे यूज़ करें वह देखेंगे। इसके लिए आपको बस एंड्रॉयड मोबाइल और यूएसबी केबल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम यूएसबी केबल को मोबाइल से और पीसी के सीपीयू से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल में जाके राउटर के वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। फिर स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाए और वायरलेस एंड नेटवर्क सेटिंग्स में जाए। अगर आपके पीसी में ब्लूटूथ है तो आप ब्लूटूथ से भी इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, पर यहाँ आपको यूएसबी टेथरिंग को ऑन कर लेना है ताकि आप वाईफाई इंटरनेट को पीसी में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आपको पीसी में नेटवर्क ऑप्शन को अलाउ कर देना है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट दिखा रहा है। चलिए अब ब्राउज़र में जाके इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं। मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर का स्पीड 10 Mbps का है, तो देखते हैं कि मोबाइल से हमें कितना स्पीड मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं अपलोड और डाउनलोड स्पीड 10 Mbps दिखा रहा है। इस तरह आप अपने मोबाइल को इंटरनेट के लिए ज़रूरत पड़ने पर वाईफाई अडेप्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।